हे गाइस व्हाट्स अप। सो गाइस आप वीडियो के टाइटल थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे हमारे आज वीडियो किस टॉपिक पर वाली। तो चलिए आज गाइस आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सो गाइस पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस इसके बाद आप सभी को करना क्या है, आपको अपने मॉडल को ऐड कर लेना सिंपली इस तरीके से, ठीक है जैसे मैंने कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली आपको पूरा सेट कर लेना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर अपने मॉडल को, ठीक है। सेंड कर लेना डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, दोबारा जाना ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसमें ये फ्लावर्स का PNG दिखेगा, ये वाला, जो कि गाइस आपको इस तरीके से लगाना है। इसको गाइस मैंने पहले से ब्लर कर रखा है, ठीक है गाइस। एंड आपको भी ये बिल्कुल सेम ऐसे मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। एंड गाइस अब हमारा एक PNG हो रहा है, ठीक है। एंड ये हर्ट का, ठीक है गाइस। तो हमें इस वाले PNG को लगाना है, ठीक है। एंड सिंपली आप सभी को इसको लगाना किधर है, आपको इसको मैं इस साइड में लगा लेता हूँ, ठीक है इस तरीके से। एंड गाइस ऊपर से कर लेता डन सिंपली, ठीक है। सो मैंने सेट कर लिया। एंड गाइस कर लेता डन। एंड गाइस एक टेक्स्ट का PNG लेना है गाइस, ठीक है। ये टेक्स्ट का PNG, ठीक है, ये भी मैंने ले लिया। एंड गाइस इसको सिंपली हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे। एंड गाइस सिंपली हम इसको इस जगह पे इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है गाइस, इस तरीके से यहाँ पे। एंड गाइस सिंपली कर लेंगे डन, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस सबसे भी करना क्या है, इसको इसमें से गाइस एक PNG और लगा लेते हैं हम, ठीक है। उसका क्या कहते हैं गाइस, पार्टिकल्स का एक PNG लगा लेते हैं इसमें हम, ठीक है। सो गैलरी में जाएंगे, पहले हम इस वाले PNG को ले लेते हैं गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस हमें करना क्या, इफेक्ट में जाना है, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद गाइस हम इसे कर लेंगे ब्लर, ठीक है। एंड कर लेंगे डन। एंड गाइस उसके बाद इसको हम पूरे अपने स्क्रीन पे ऐसे इस तरीके से लगा लेंगे। एंड गाइस जो भी हिस्सा हमारे फेस के ऊपर आएगा गाइस हम उसको सिंपली इरेजर टूल में जाके इरेज कर लेंगे। सो गाइस ये मेरे हमारे फेस पे आ रहा है तो गाइस हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने इरेज कर लिया। एंड गाइस कर लेते हैं डन, ठीक है। एंड उसके बाद कर लेते हैं अब। एंड गाइस हमारा एक PNG हो रह गया लास्ट, जो पार्टिकल्स का PNG है। एंड गाइस हम उसको लगा लेते हैं, ठीक है। सो जाएंगे ऐड फोटो में, एंड जाएंगे इस गैलरी में, ठीक है। एंड कोई दिक्कत की बात नहीं गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी PNGs का लिंक है, बैकग्राउंड पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आप जाकर डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। इसको मैंने PNG ले लिया। एंड गाइज इसको मैं सिंपली अपने ऐसे साइज पूरा कर लूँगा, ठीक है, फोटो पे। एंड गाइज इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम स्क्रीन, ठीक है। एंड कर लेंगे सिंपली डन, ठीक है। एंड गाइज हमारा नेक्स्ट चीज़ रहेगी गाइज कलर करेक्शन, जो कि करते हैं हम हमेशा की तरह लाइट रूम में। तो गाइज हम कर लेते हैं सिंपली फोटो को सेव, एंड चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर, ठीक है। सो ये मैंने गाइज मैं आगे बैक। एंड गाइज चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर, ठीक है। एंड मैं लाइट रूम ऐप मैंने ओपन कर लिया। एंड गाइज चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को अपने फोटो कर लेना सेव, सॉरी गाइज सेव कह दिया मैंने गलती से, ऐड कर लेते हैं। एंड गाइज इसके बाद क्या करना है गाइज, आप सभी को अपने फोटो को ऐड कर लेना है। गाइज उसके बाद आप सभी को नीचे लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे जाना है, ठीक है। इस कॉन्ट्रास्ट को आपको माइनस करना है, ठीक है। एंड इसको हाईलाइट को भी माइनस करना है, ठीक है। एंड शेडो को प्लस कर लेना है, ठीक है। एंड वाइट को भी प्लस में। एंड गाइज ब्लैक को कम करना है, ठीक है। एंड चलते नीचे वाले टूल में, ठीक है इसमें। एंड चलते मिक्स में, ठीक है। एंड रेड कलर के ह्यू को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सैचुरेशन को भी बढ़ा लेते हैं। एंड गाइज ल्यूमिनस को कम कर लेते हैं। एंड गाइज ऑरेंज वाले पे चलते हैं, सैचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा लेंगे, ठीक है। सो इतना हमारा काम हो चुका है। एंड गाइज चलते हैं नेक्स्ट कलर पे, ठीक है। एंड इसकी सैचुरेशन को हम बढ़ा ले नहीं गाइज कमी कर लेते हैं, ठीक है। एंड चलते सेकंड वाले पे। एंड गाइज येलो कलर के ह्यू को बढ़ा लेते हैं, सैचुरेशन को कम। एंड गाइज सेकंड कलर पे चलते हैं, ह्यू को बढ़ा लेते हैं एंड ल्यूमिनस को कम रखते हैं, ठीक है। एंड कर लेते हैं डन। एंड गाइज सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। एंड ल्यूमिनस को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर को हम करेंगे कम, ठीक है। एंड चलते हैं नीचे वाले टूल पे, ठीक है। एंड क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड डस्ट को भी थोड़ा सा हम कम कर वो थोड़ा बढ़ा लेंगे। एंड विग्नेट को कम करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद गाइज ये हमें फेदर को पूरा 100% प्लस करना है। एंड रोडनेस को भी पूरा प्लस कर देना है, ठीक है 100 तक। चलते हैं नीचे वाले टूल पे, ठीक है। नीचे वाले टूल पे जाने के बाद गाइज फोटो को करना शार्प, ठीक है। जिससे हमारी फोटो HD क्वालिटी में आती है। एंड गाइज उसके नोड डायरेक्शन को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज हमें कलर नोड डायरेक्शन को भी बढ़ा लेना है। एंड
यहाँ तक हमारी फोटो हो चुकी है डन। ठीक है गाइस, सो अब मैं आपको आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ। ये हमारी वैसी थी एंड अब ऐसी हो गई फोटो एडिटिंग। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना यार, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप सभी के लिए। एंड मुझे इंस्टा फॉलो कर लेना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।